Hey everyone, welcome back once again to PTS CAT Expert. कैसे हैं आप? Hope you all are fine, doing great in your lives. So guys, आज हम आपके लिए लेके आए हैं construction drawing में जो notes दिए होते हैं, structural notes, उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनमें क्या क्या information दी जाती है और आपको उनमें से क्या क्या चीज़ें याद रखनी होगी और कैसे आप उनको apply करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे इस drawing में. ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले या अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात करते हैं. जैसे कि अगर आप भी सिविल इंजीनियर है या आप एक सुपरवाइज़र है या आपने कोई डिग्री की है, लाइक आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है और आपको साइट की कोई भी नॉलेज अभी तक नहीं है, तो डेफिनेटली हमने आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, एक नहीं बंच ऑफ कोर्सेज लेके आए हैं जहाँ पे आपको साइट की पूरी नॉलेज हो जाएगी, चाहे वो बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो BBS से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वांटिटी सर्वेलेबल एनालिसिस से रिलेटेड हो, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्राइंग रीडिंग से रिलेटेड हो. ये सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं. इनमें से हम लोग ने टोटली कवर किया है कि आपको साइट पर काम कैसे करना है, एग्जीक्यूशन का काम कैसे करना है. तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको अपना मोबाइल उठाना है, नंबर डायल करना है 8199-2988 या आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे. ऐप का नाम है PTS CAT Expert. ऐप डाउनलोड करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से वहां पे डिटेल्स अपनी फिल करेंगे. जब हम लोग लेटर ऑन आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो होमवर्क दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी जो एक ISO सर्टिफाइड है, MSME सर्टिफाइड है और उसके ऊपर एक बार कोड भी लगा हुआ होगा ताकि आप लेटर ऑन कहीं पर भी उसको वेरीफाई करवा सकते हैं उस सर्टिफिकेट को. और इंपॉर्टेंट चीज़ इन कोर्सेज के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि इन कोर्सेज में हम लोग ने जो भी कवर किया हुआ है वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में हम लोग ने कवर किया हुआ है. अगर आप बिलिंग की बात करेंगे इट्स जस्ट 1499. आप सिलेबस भी चाह के चेक कर सकते हैं. अगर आप ड्राइंग रीडिंग्स की बात करेंगे तो ड्राइंग रीडिंग्स में हम लोग ने कवर किए हैं 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और एक 3-स्टार बिल्डिंग है. ठीक है, 3-स्टार होटल की बिल्डिंग है. ये सारी चीज़ें हम लोग ने इस कोर्स में कवर की हुई है. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्राइंग एक है और ये ड्राइंग का कौन सा प्लान है, फुटिंग प्लान. हम लोग आगे जाके फुटिंग प्लान भी डिस्कस करेंगे, प्लिंथ बीम डिस्कस करेंगे, फुटिंग लेआउट, कॉलम लेआउट प्लान डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, इन स्ट्रक्चरल नोट्स की. मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं ये स्ट्रक्चरल नोट्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे. ये सी, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चीजों को देखेंगे. पॉइंट नंबर वन यहाँ पे आप देख सकते हैं. पॉइंट नंबर 1, ऑल डायमेंशंस आर इन mm. आप यहाँ पे कोई भी डायमेंशन देखेंगे वो mm में कवर किया गया होगा. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 1900x1900, यहाँ पे 3200, जितने भी डायमेंशंस दिए गए होंगे ना वो डायमेंशंस mm में है. पहला वाला पॉइंट. दूसरा वाला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर्ड ओनली फिगर डायमेंशन आर टू बी फॉलोड. जो फिगर में डायमेंशन दिए गए होंगे वही आपको फॉलो करने हैं. ठीक, पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ड्राइंग शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट. अगर आपको ड्राइंग में कुछ भी ऊपर नीचे लगे, अगर आपको उसमें एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, तो आपको काम एग्जीक्यूट करवाने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये ड्राइंग नोटिस में लेके आने पड़ेगी, किसकी, या तो कंसल्टेंट की या तो आर्किटेक्ट की. पॉइंट नंबर 4, आप जो इसमें बार यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स आपको यूज करने हैं, वो भी कौन सा, FE 500. आप लोगों ने इस नाम सुना होगा FE 450, FE 500, तो यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है FE 500. ठीक है, अगला वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर कवर ऑफ द आउटर लेयर रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज. अगर हम बात करेंगे कवर्स की, तो कवर्स की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है आपके लिए. मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके आऊंगा. पॉइंट नंबर 5 है अपना. पॉइंट नंबर 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा पॉइंट नंबर 5, क्लियर कवर के बारे में बात करें. अगर हम फुटिंग की बात करेंगे तो 50 mm का है, कॉलम की बात करेंगे तो 40 mm का है, बीम की बात करेंगे, बीम में कौन सा, टॉप में, बॉटम में, साइड्स में, उनकी बात चल रही है, तो कितना है 25 mm. वेस्ट स्लैब की, वेस्ट स्लैब कौन सी स्लैब होती है, जो हमारे पास स्टेयरकेस की नीचे वाली जो स्लैब होती है ना, इसको कहते हैं वेस्ट स्लैब. तो उस वेस्ट स्लैब में आपको कवर कितना देना है, वो भी 25 mm. क्लियर है यहाँ तक, ओके. अब यहाँ पे अगला वाला पॉइंट हम लोग ले लेंगे, पॉइंट नंबर 7. यहाँ पे देख सकते हैं आप कवर ब्लॉक्स, आप
आपने देखा होगा कवर ब्लॉक्स कुछ इस तरीके का होता है, आपको यूज करना है वो भी कौन सा यूज किस चीज का होगा, वो सीमेंट कंक्रीट का होगा। आपको जो यहाँ पे कवर ब्लॉक यूज करना है उसके बारे में आपको जानना होगा, एक प्रॉपर कवर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फुटिंग के बारे में तो 50 mm कवर होना चाहिए, कॉलम के बारे में बात चल रही तो 40 mm कवर होना चाहिए, बीम के बारे में तो 25 mm, रिगार्डिंग वेस्ट स्लैब के बारे में बात करें तो 25 mm होना चाहिए। अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ आपको लेना होगा किस चीज के लिए, M25 कंक्रीट के लिए। M25 कंक्रीट क्या लेना होगा, LD कितना लेना होगा, 49D। 49D 49 एक नंबर है और D है डायमीटर ऑफ द बार, जो आप बार यूज करेंगे एक पर्टिकुलर, सपोज करो आप 16 mm यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाई 16, अगर आप बार कर रहे हैं 25 mm का यूज, अगर बार करें 12 mm का यूज, अगर आप बार करें यूज 10 mm का, तो आपको यहाँ पे लेना है 49 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, ओके क्लियर है। अब यहाँ पे बात चल रही है डेवलपमेंट लेंथ। सी डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जैसे कि हमारा कोई जंक्शन बन रहा है, ये सपोज करो ये कॉलम है और ये हमारा बीम है और यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट आ रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है किसने, कॉलम में, इस वाले पोर्शन को कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। या हमारे पास ये कॉलम है और यहाँ पे कॉलम का रेनफोर्समेंट ये एल मुड़ रहा है, इस चीज को कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट लेंथ। या हम लोग इसको नाम एक और नाम देख सकते हैं एंकरेज लेंथ, क्या देते हैं एंकरेज लेंथ। और मेन डिफरेंस क्या होता है एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ और दूसरा जो हमारे पास लैप लेंथ है, लैप लेंथ कुछ हम लोग इस तरीके से देते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं एक बार फिर से, हम लोग डिफरेंस समझ रहे हैं किस चीज की, डेवलपमेंट लेंथ की और लैप लेंथ की। सी डेवलपमेंट लेंथ मैंने आपको कहा ये कुछ बीम का साइड का सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से बैंड आया, तो इस पार्ट को हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ। अगर हम बात करेंगे लैप लेंथ की, सपोज करो ये कॉलम है और यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को इसको और ऐड करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को कहते हैं लैप लेंथ। अब आप समझ में, लैप लेंथ ये होता है, डेवलपमेंट लेंथ ये होती है, क्लियर है पॉइंट, ओके। आगे क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 9, कंक्रीट मिक्स जो हम लोग यूज करेंगे वो होना चाहिए M25। कितना होना चाहिए, M25, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं M25, और वो भी कौन सा कोड आपको फॉलो करना है, IS 456-2000, क्लियर है, ओके। पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग, तो पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है कि जो हमारे पास नेसेसरी फिक्स्चर्स है, नेसेसरी फिक्स्चर्स लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिकल की कंडूटिंग है, या हमारे पास प्लम्बिंग है, या कोई भी और जो फिक्स्चर है, उसको हम लोग ने क्या करना है, उसको हम लोग ने स्लैब कास्टिंग के दौरान ही हम लोग ने स्लैब में एम्बेडेड करना है, ठीक है। अगला वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11 की बात करेंगे, तो पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ने डिजाइन किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हम लोग ने डिजाइन किया हुआ है एज पर जोन 2। सी इंडिया में जोन कितने हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। सी इनमें से सबसे सीवियर जोन कौन सा और सबसे सेफ जोन कौन सा है, सबसे सीवियर जोन कौन सा है, ये जोन 5। इसलिए इस जोन में आता है नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में जैसे कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर आता है, तो वो जोन 5 में आता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा रहता है और इसमें सबसे ज्यादा सेफ जोन 1 और जोन 2 होता है, क्लियर है। आगे पॉइंट नंबर 13 की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कहा है PCC। सी यहाँ पे PCC 1:4:8 का हम लोग ने यूज करना है। अब आपको ये देखना है कि ये ये M कौन सा है, ठीक है ना, आपको ये रेशियो बताना है ये M कौन सा है, ठीक है, क्लियर है। ऑल PCC RCC शैल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ IS 456। जो भी हम लोग RCC का काम करेंगे, PCC का काम करेंगे, वो IS 456 के हिसाब से ही होना चाहिए। कैसे, आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको क्यूब्स भरने पड़ेंगे, वो IS 456, और आपको जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो भी IS 456 के हिसाब से ही आनी चाहिए, क्लियर है। अब हम पॉइंट नंबर 15 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 15 में क्या दिया है, कटिंग बेंडिंग फिक्सिंग एंड प्लेसिंग ऑफ बार्स शैल बी इन अकॉर्डेंस विद IS 2502-1968, IS 1, IS 5525-1969 और IS 456-2000। सी ये जो तीनों कोड है, आप चाहो तो मैंने BBS पूरा क्लियर कर दिया है, एज पर दीज कोड नॉर्म्स आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने BBS का मैनुअली भी सिखाया है और फॉर्मेट्स आप कैसे जनरेट करेंगे, फॉर्मेट्स में आपको एक बार स्लैब का साइज लगाना है, डाया बार अगर आप डिफरेंट यूज कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं, बाकी आपका एज इट इज कैलकुलेशन आ जाएगा। इस तरीके से मैंने फॉर्मेट्स जनरेट किए हुए हैं, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। ये तो हो गया, यहां तक हमने जनरल नोट्स के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉलम की। जो कॉलम में हमारे पास जनरल नोट्स दिए हैं, अगर हम
जो कॉलम में हमारे पास जनरल नोट्स दिए हैं, अब हम बात करेंगे उनकी, ठीक है। पहला वाला पॉइंट है टाइज इन पोर्शन ऑफ, पहला वाला पॉइंट सी, यहां पे ये वाला पहला वाला पॉइंट है, ठीक है। जो टाइज है जिनको हम लोग रिंग्स कहते हैं, रिंग्स के बारे में बात चल रही है यहां पे, कह रहा है टाइज इन पोर्शन ऑफ कॉलम एंड बीम जंक्शन। यहां पे जंक्शन बन रही है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक जंक्शन है कॉलम की और बीम की। इनका कहने का मतलब है यहां पे जो रिंग्स लगेंगे, ठीक है ना, वो एज इट इज लगेंगे जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द कॉलम लग रहे हैं यहां पे इसमें, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास जून्स होते हैं, डिफरेंट जून्स कॉलम में, सी ये जून ए है, ये जून ए है, ये जून ए है, ये जून बी है। जून ए और जून ए में सेम होते हैं स्पेसिंग। अगर हम बात करेंगे जून बी की, तो यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिंग होती है, क्लियर। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो इस रिगार्डिंग, तो प्लीज कॉल मी ऑन 8199-2988, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। ओके, अगर हम बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की, यहाँ पे ओवरलैप्स आर अलाउड ओनली इन मिडल जून। सी, अभी इससे आई थिंक 2 मिनट पहले मैंने इसके बारे में बात की थी, बात चल रही है ओवरलैप्स की। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉलम है, ठीक है, ये मान के चलिए ये हमारा फुटिंग का रेनफोर्समेंट है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये फुटिंग वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे कह रहा है ओवरलैप्स आर अलाउड ओनली एट मिड सेक्शन। ओवरलैप्स, आपको ओवरलैप करवाना है, क्या करना है, रेनफोर्समेंट का ओवरलैपिंग करवाना है। सी, यहाँ पे ओवरलैपिंग कहो या लैप लेंथ कहो। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ये कॉलम है, ये ए जून है, ये कॉलम है, ये भी ए है इसका सेक्शन, और ये बीच वाला जो है ये मिड जून है, इसको कहते हैं जून बी। सी, अब यहाँ पे जब ये वाला जो फोर्स होता है, यहाँ पे जो कॉलम पे फोर्स आता है, वो ट्विस्टिंग का फोर्स आता है, सेम ओवर हियर, ये वहाँ पे भी, और ये जो मिड वाला पोर्शन है, यहाँ पे कॉलम को फेलियर के जो चांसेस है वो होते हैं बकलिंग के, ठीक है। जब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लैप दे दिए, जब यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो कॉलम कुछ इस तरीके का झुकेगा, तो यहाँ पे आउट होने का खतरा रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्रैक होने का खतरा है, शियर फेलियर होने का खतरा रहता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, तो इस वाले पोर्शन में आपको लैप देनी है एज पर दीज जनरल नोट्स, क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहते हैं फेलियर के, कौन से, बकलिंग फेलियर के। बात समझ में आई, क्लियर है। ओके, पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है नो मोर देन 50% ऑफ द बार शैल बी लैप्ड। 50% से ज्यादा बार आपको लैप नहीं करवाने एक जून में। सी, कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, या मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपके लिए, ये मेरा कॉलम का सेक्शन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bars लगे हुए हैं, और इनका कहने का मतलब है, इन महाशय का कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि आप एक जून में, चाहे वो जून ए हो, पहले तो आप जून ए में इसके हिसाब से लैप दे नहीं सकते, जून बी में, चाहे इस पोर्शन में या हल्का सा ऊपर वाले पोर्शन में, एक ही जगह पे आप 50% से ज़्यादा लैप नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पे इसका मतलब है, तो अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bars है, तो इनमें से 4 का आप लैप कर सकते हैं इस जून में, वो भी स्टैगर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे 4 bars का मैक्स टू मैक्स लैप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एज पर द नोट्स प्रोवाइड बाई दिस ड्राइंग। ओके, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, यहाँ पे कह रहा है टाइज इन पोर्शन ऑफ द कॉलम बिलो प्लिंथ बीम शैल बी सेम एज एट जून। जैसे यहाँ पे प्लिंथ बीम दी है, और यहाँ पे जो आप टाइज देंगे और रेस्ट ऑफ द कॉलम जो टाइज देंगे, वो भी सेम स्पेसिंग के साथ ही रहेगा। आगे जब हम लोग ड्राइंग रीडिंग्स पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो पता चल जाएगा। और अगर आप भी प्रोफेशनली ज्वाइन होना चाहते हैं, ड्राइंग रीडिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो हम लोग ने कम से कम उसमें तीन प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, और फ्यूचर में भी हम लोग उसमें और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, वो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती जाएंगी। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है वर्टिकल बार जो है, हमारे पास जो वर्टिकल बार्स है, और ये हमारे पास स्लैब्स है 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये डिज़ाइन किया गया है G+3 के लिए, ठीक है ना, G+3 के लिए डिज़ाइन किया गया है, और हमारे पास यहाँ पे 4 slabs है, और कह रहा है जब यहाँ पे कॉलम्स का रेनफोर्समेंट आएगा, वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, जब हम पहुँचेंगे एंड स्लैब पे, रूफ स्लैब पे पहुँचेंगे हम लोग, तब आपको बार्स को क्या करना है, बार्स को यहाँ पे ऐसे मोड़ना है। कितना मोड़ना है, डेवलपमेंट लेंथ तक मोड़ना है, डेवलपमेंट लेंथ ऑलरेडी दी गई है, कितना है 1490, क्लियर। ओके, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कॉलम के जो जनरल नोट्स है वो क्लियर हो गए। अगर हम मूव करेंगे बीम के जनरल नोट्स की तरफ, सी ये है जनरल नोट्स फॉर द बीम। पहला वाला पॉइंट है फॉर लोकेशन ऑफ बीम्स रेफर स्लैब प्लान। अगर आपको लोकेशन ऑफ बीम देखनी है, तो डेफिनेटली आपको कौन सा प्लान कंसल्ट करना पड़ेगा, स्लैब का प्लान। ओके, पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है
वायर टू लेयर्स ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स आर टू बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे हमने दो बार्स प्रोवाइड करने हैं, दो बार्स मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब डबल नैश प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसर्स प्रोवाइड करने हैं। सी कैसे, ये देखो ये बीम का सेक्शन है, बीम के सेक्शन में क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोज करो दो बार ऊपर है दो बार नीचे है, या तीन बार ऊपर है तीन बार नीचे है। अब कह रहा है इसमें इसके मिड सेक्शन में भी तीन बार्स है, एक दो तीन, और इनका कहने का मतलब है आपको इनको आपस में सेपरेट करने के लिए यहाँ पे स्पेसर बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, स्पेसर बार एस बी, क्लियर, स्पेसर बार लगाना पड़ेगा, ओके ना। अब यहाँ पे देखें स्पेसर बार का डाया क्या होना चाहिए, सी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इन्होंने कहा है कि स्पेसर बार का डाया होना चाहिए 25 mm, या अगर आपने जो बार्स यूज़ किए हैं अगर वो 25 mm से ज़्यादा है तो उसका यूज़ करें, अगर वो 25 mm से कम है तो आप 25 mm का स्पेसर बार यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ, सपोज करो आप लोग ने बीम का रेनफोर्समेंट जो यूज़ किया है वो है 16 mm, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो स्पेसर बार यूज़ करना पड़ेगा वो है 25 mm का, ठीक है। अगर आप लोग ने सपोज करो 32 mm का बार यूज किया है बीम में, यहां पे सपोज करो यहां पे 16 की जगह 32 mm का बार यूज किया हुआ है, तो आपको यहां पे स्पेसर बार कौन सा यूज करना है, 32 mm का, क्लियर, ओके ना। ठीक, अब यहां पे कह रहा है पॉइंट नंबर 3, एट द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट नंबर ऑफ बीम्स द हायर रेनफोर्समेंट एट द सपोर्ट शैल बी अडॉप्टेड। अगर हमारे पास दो डिफरेंट नंबर ऑफ बीम्स है, ये बीम नंबर ए है और यहाँ पे बीम नंबर बी है, ठीक है, ये एक जगह जंक्शन बना रहे हैं, इस जंक्शन में आप जो टाइज यूज करेंगे, ठीक है ना, आप जो टाइज यूज करेंगे, शेयर रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, वो उसका यूज करेंगे जिसकी स्पेसिंग कम हो, जो हैवीली रेनफोर्स्ड हो उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा, क्लियर है, इसको मैं क्लियर करता हूं। अगला वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ओवरलैप इन टॉप बार्स शैल बी नियर मिड स्पैन एंड इन बॉटम बार्स शैल बी नियर सपोर्ट। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक बीम का प्लान बना लेता हूँ, सपोज करो ये हमारे पास कॉलम 1 है C1 और ये हमारे पास है कॉलम C2। आई थिंक इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोग रेड से दिखाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन महाशय का कहना है कि आपका रेनफोर्समेंट कुछ ऐसा है, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट कुछ ऐसा है, क्लियर है। फिर से एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग, ओवरलैप इन टॉप बार्स शैल बी नियर मिड सेक्शन, ऊपर का जो हिस्सा है बीम का वहां पे अगर आपको जरूरत पड़ी किस चीज की, ओवरलैप की, लैप लेंथ की, तो आपको इस वाले पोर्शन में, ये मिड वाले पोर्शन में आपको लैप देना पड़ेगा। मतलब सपोज करो मेरा बार एक यहां से आ रहा है यहां तक और यहां पे वो खत्म हो रहा है, तो मुझे यहां पे बार जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है ना, मिड वाले पोर्शन में। अगर हम लोग अपर की बात कर रहे हैं तो सी क्या होता है, हमारी जो बीम होती है, बीम के दो जून होते हैं, ये है बी है, ठीक है ना, अपर वाला जो जून होता है वो होता है कंप्रेशन में, ठीक है, और लोअर वाला जो जून होता है ये रहता है टेंशन में, ठीक है ना, ये मेन रीजन है इसका कि हम लोग अपर में मिड सेक्शन में लैप देते हैं और बॉटम में हम लोग जंक्शन की तरफ क्या देते हैं, लैप लेंथ। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे, द डेप्थ ऑफ द बीम लिंटल मोनोलिथिक विद स्लैब एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल शैल बी इंक्लूडेड ऑफ। सी क्या कह रहा है, अगर आपका सपोज करो ये स्लैब है और इसमें कहीं पे छज्जा है, ठीक है ना, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा किसकी डेप्थ के साथ, किसकी थिकनेस के साथ, स्लैब की थिकनेस के साथ आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। अगला वाला पॉइंट क्या है, अगला वाला पॉइंट हमारे पास है, हुक्स इन स्टिरप्स ऑफ बीम्स शैल बी बेंट इनसाइड एट 135 degrees एंड लेंथ ऑफ द हुक शैल बी 10 degrees। क्या कह रहा है, ये हमारे पास है हुक, ये है हमारे पास है टू लेग स्टिरप, आप चाहो तो देख सकते हैं BBS वाले कोर्स में, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, टू लेग्ड हो, फोर लेग्ड हो, डायमंड हो, ट्राइंगुलर हो, समोसा शेप्ड हो, स्पाइरल हो, ये सारी चीज़ें मैंने फॉर्मेट के साथ डिस्कस की हुई है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब इनका है, ये जो एंगल यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे, ये एंगल आप 135 डिग्री प्रोवाइड करेंगे, और ये जो हुक है यहाँ पे, ये जो अंदर की तरफ मोड़ रहा है ना, ये अंदर की तरफ मोड़ रहा है ये वाला पोर्शन, ये है 10 degrees, 10 एक नंबर है और डी जो है हमारे पास है वो है डाया बार, जैसे कि सपोज करो हम लोग 8 mm का यूज करते हैं, तो यहाँ पे 10 degrees, 10 मतलब नंबर और डी मतलब डाया बार, यहाँ पे डाया बार क्या है 8, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट्स 80 mm का यहाँ पे ये लेंथ होनी चाहिए, क्लियर है, ओके। स्ट्रक्चरल नोट्स में जो हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट है वो है SBC। अब ये SBC क्या है,
आप बताइए मुझे SBC क्या है। मेरे हिसाब से SBC है सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 20 टन पर मीटर स्क्वायर। आप मुझे ये बताइएगा कि कौन सी सॉइल ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग ने पाइल्स प्रोवाइड करने होते हैं और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। खासकर एक एग्जांपल के साथ, जैसे हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल का जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो आपको मेंशन करनी होती है। अब आप मुझे बताएंगे जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें सीखनी है तो देन गो फॉर द PTS CAT एक्सपर्ट एप्लीकेशन एंड सी द कोर्सेज एंड ज्वाइन द कोर्स एज सून एज पॉसिबल। लेट मी कंक्लूड, लास्ट वाला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इन कोर्सेज में तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट वन ऑन वन आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। टिल देन, बाय बाय।